केबल डैमेज कई बार हुई जिसमें हमें 42 घंटे तक वेट करनी पड़ी। हमारे लगातार प्रॉब्लम थी, 5 ट्रांसफार्मर हमारे ऑलरेडी जल चुके थे और लोग 3-3 दिन तक लाइट के लिए परेशान रहते थे। हाँ, जनरेटर के बिना आप नहीं रह सकते हो, वो जरूरी है, मस्ट है यहाँ पे। These are the struggling residents of Gurugram who are waiting for their power woes to end soon. The smart grid project launched in 2016 may be the answer. What is smart electric grid project? How does it benefit them? Vinita Singh, the chief engineer of smart grid project THPVN, in an exclusive chat to MBTV says that electricity supply remain uninterrupted even during thunderstorm. Smart grid ka main jo purpose hai wo ye hai ki reliable supply deni hai. First phase mein hum HT lines ko underground leke ja rahe hain, LT lines ko hum third phase mein karenge. तो HT लाइन जाने से जो विंड स्टॉर्म्स के टाइम पे और आंधियों के टाइम पे जो सप्लाई जाती थी, अब वो नहीं जाएगी, तो सारी केबल्स अंडरग्राउंड चली जाएंगी। वी हैव सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी, द मेनली थिंग इज़ कि उसको हम इफ़ेक्टिवली पहुंचाएंगे कंज्यूमर्स तक। आंधियों के टाइम पे बंद करनी पड़ती थी जिससे कंज्यूमर्स परेशान होते थे, वो चीज इसमें खत्म हो जाएगी। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹1150 करोड़ एंड द पार्शियल फंड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू। डीएलएफ एरिया के लिए पीएसडीएफ से 94.5 करोड़ मिली है, बाकी हरियाणा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बाकी कुछ हम अपने फंड्स यूज कर रहे हैं, कुछ हमने लोन्स अरेंज किए हैं। इसमें पूरा सेक्टर 1 to 57 टोटल कवर किया हुआ है और इसमें बेसिकली जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं GMDA, MCG, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है ताकि उनकी कोई यूटिलिटीज़ डैमेज ना हो। सेक्टर 1 to 57 को 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को अलॉट किया हुआ है, 4 एरियाज़ में डिवाइड करके। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट तो विंध्या टेलीलिंक्स वाले कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहे हैं और फोर्थ प्रोजेक्ट एल एन टी को अलॉट किया है। इसमें हमने काफ़ी फीडर्स, 94 फीडर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वो एरिया 31, सेक्टर 32, 40, 22, 21, 23, ये टोटल एरिया कवर कर दिया है जिसके फीडर्स अब एनर्जाइज हो चुके हैं और चल रहे हैं। और उनका जब हमने डेटा भी एनालिसिस किया है तो काफ़ी उस पर ट्रिपिंग्स और ब्रेकडाउंस कम हुई हैं। अब हम ये सेक्टर 14, 17 के फीडर्स तकरीबन कंप्लीट हैं, सेक्टर 15 के भी जल्दी ही चार्ज कर देंगे और कुछ पालम विहार का काम हो रहा है, सेक्टर 20 उद्योग विहार में कुछ फीडर्स तैयार हैं, उनकी चार्जिंग का काम चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज सेक्टर्स देर आर सम प्राइवेट कॉलोनीज लाइक सुशांत लोक, साउथ सिटी 1 and 2, DLF phases in Gurugram that are being developed by the private developers. Many developers have left these colonies in the lurch. But authority claims that for the smart grid project, it has taken a special permission for such areas to provide them better power supply. However, the smart grid unit does not address local transformer issues. Builders ki kafi inadequacies hain jo unhone meet with nahi kar rakhi hain, lekin hum special uski sa humne approval leke hum unke area mein bhi infrastructure ko upgrade kar rahe hain. Smart grid se as such कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपग्रेड कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास सैंक्शन और अप्रूवल है। DLF और सुशांत लोक तो विंध्या टेलीलिंक्स कर रहा है, पालम विहार टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है, साउथ सिटी भी टाटा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, साउथ सिटी 1। इट इज़ नो सीक्रेट दैट द स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट इज रनिंग लेट, बट विल इट बी डिलेड फर्दर? The authority claims it won't. जिनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल इशूज़ से जो GMDA, MCG की कोऑर्डिनेशन और उसके कारण थोड़ा डिले हुआ है प्रोजेक्ट, वो अब एक प्रोजेक्ट तो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, एक नेक्स्ट मार्च तक हो जाएगा। उसके अलावा जो दो एक अवार्ड हुआ था 2018 में, वो भी नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। जो 2019 में लास्ट प्रोजेक्ट LNT को अवार्ड हुआ है उसका अभी टाइम पीरियड बाकी है, तो वो 2 साल अपना 2022 तक हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू इन पार्ट्स ऑफ गुरुग्राम। द स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट इज डिलेड बट द प्रॉमिस बाय द अथॉरिटी हैज सर्टेनली ब्रिंग सम होप टू द स्ट्रगलिंग रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी।
But will authority manage to live up to its promise this time? For that, let's wait and watch. How did you like this show? Do write your feedback to me on my Twitter handle, which is @NehaNagpal. You can also follow me on Instagram and Facebook. If you have any query, you can send in the comment section below this video as well. With cameraman Manish Sharma, this is Neha Nagpal signing off. Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and press the bell icon to get new videos.